हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत को मिलने वाली अस्त्र मिसाइल के बारे में और इसके साथ साथ जो इसके दो नए वेरिएंट हैं जो भारत के आर्म फोर्सेस को भविष्य में मिलने वाले हैं उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि भारत को ऐसी मिसाइलों की जरूरत क्यों है और इनकी जो रेंज है वो लगातार बढ़ाई क्यों जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। अस्त्र जो है इंडिया की ऑल वेदर मतलब सभी वेदर में काम करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज होता क्या है। देखिए, जब कोई मिसाइल अबाउट 37 किलोमीटर रेंज के ऊपर जाकर किसी टारगेट को अटैक करती है तो उसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। पहले होता क्या था कि जो पायलट है उसको टारगेट अपने सामने दिखना चाहिए था, तभी वो उसके ऊपर अटैक कर सकता था और वो आता था विद इन 37 किलोमीटर। बट जो अस्त्र मिसाइल है उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, यानी कि अब जो हमारा पायलट है जो एक फाइटर प्लेन में बैठा है वो टारगेट कर सकता है अबाउट 37 किलोमीटर और अकॉर्डिंग टू अस्त्र मिसाइल वो उसको टारगेट कर सकता है 100 किलोमीटर तक। अस्त्र मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल है जो डेवलप की है DRDO ने इंडिया के लिए। इसको इंटीग्रेट करा गया है Sukhoi-30 MKI ने, जिसको भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। इस मिसाइल को और जो हमारे फाइटर प्लेन हैं जैसे कि मिराज हो गया, तेजस हो गया, रफाल हो गया, उनके साथ इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है और धीरे धीरे इसके ऊपर भी काम चल रहा है। बात करें इसके दो नए वेरिएंट की, पहला वेरिएंट जिसकी रेंज 160 किलोमीटर होने वाली है और दूसरा वेरिएंट जिसकी 300 किलोमीटर जो है रेंज होने वाली है, और इन दोनों ही वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है और इनकी टेस्टिंग 2023 और 2024 में शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भारत को इन मिसाइलों की आवश्यकता क्यों है और क्यों भारत जो है रेगुलरली इनकी रेंज जो है वो बढ़ा रहा है। देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है अपनी PL-15 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। भारत के पास अभी जो मिसाइल है जिसकी सबसे ज्यादा रेंज है वो है 160 किलोमीटर। वो मिटियोर नाम की मिसाइल है जिसको हमने फ्रांस से लिया था और जिसे हमने रफाल में इंटीग्रेट कर दिया है। मिटियोर मिसाइल को भी बेस्ट इन क्लास कहा जाता है। पर आप देख सकते हैं कि चाइना की जो रेंज है वो ऑलरेडी 200 किलोमीटर को क्रॉस कर चुकी है। तो हमें चाइना को कैचअप करना है इस सेक्शन में कि भाई चाइना जो है ऑलरेडी इतना ज्यादा काम कर चुका है और इनकी रेंज जो है इंडिया की मिसाइलों से काफी ज्यादा है। तो ज्यादा रेंज, ज्यादा दूर का टारगेट और ज्यादा बेनिफिट फॉर द पायलट जो उस जहाज के अंदर बैठा है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है मिसाइल डेवलप करने का, भारत जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को आत्मनिर्भर यानी कि मेड इन इंडिया की तरफ ले जाना चाहता है। भारत जो है आत्मनिर्भर बनना चाहता है डिफेंस सेक्टर में। की जो डिपेंडेंस है डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर वो जो है दूसरे देशों के ऊपर कम करना चाहता है, जैसे कि रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया। जब हमारे पास खुद के डेवलप मिसाइल्स होंगे तो ये जो है रोजगार भी पैदा करते हैं हमारे देश में। डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और साथ के साथ भारत को इन मुद्रा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। भारत इन मिसाइलों को बाद में जब इंडिया खुद इनको सही से इंटीग्रेट कर लेगा अपनी आर्मी एयरफोर्स के अंदर और बाद में इनको जो है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इससे जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी और डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी आर्म फोर्सेस की बढ़ेगी। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।